बिहार की बात तो नहीं ही कीजिए, जब देश के स्तर पर कोई पार्टी बड़ी होती है तो बिहार में आके छोटी नहीं हो सकती। लोजपा जीती की रेस पे पीछे मत पड़िए, उनका मकसद ही हो सकता है कि जितना नहीं था आपको हराना था, आज नहीं आपको माहौल मिला अपने लायक, तो छोड़ दीजिए सरकार, जाके बैठिए विपक्ष में जी। नीतीश ना तो राजद तोड़ सकते हैं ना वो भाजपा में से तोड़ सकते हैं, कि लोग जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने की स्थिति में आना चाहते हैं। नीतीश कुमार चुनाव का इंतजार कर जी, बिल्कुल बिल्कुल, भाजपा मौजूदा बिहार की राजनीति को अपने हिसाब से चला रही है जी, और इस बात को ये कभी हुआ नहीं था। नमस्कार, आप भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। भारत लाइव में आप पंचनामा देख रहे हैं, हमारे साथ जो विश्व प्रसिद्ध हैं डॉक्टर नमन मिश्रा वो मौजूद हैं। खबर जो है हमेशा स्टेशन पर रहती है, खबर की चीरफाड़ यहाँ होती है, पूरी एनाटॉमी जो है खबर की वो हम ला करके जो है सामने रख देते हैं। हालांकि कुछ दर्शकों को इससे ऐतराज भी होता है, बहुत सारा जो है आशीर्वचन जो है आकर के कमेंट बॉक्स सेशन में भी लिखते हैं, हमारे हंसने पर भी सवाल किया जाता है। खैर, जो सिलसिला है क्या है ना कि हम जो चीज़ें पहुंचाना चाहते हैं वही चीज़ें पहुंचाते हैं, और इस मामले में जिद्दी हैं थोड़ा। तो चलिए, खबर जो है आज स्ट्रेचर पर, नीतीश कुमार जो है तैयारी शुरू कर चुके हैं। अब समझिए, नीतीश कुमार जब तैयारी शुरू करेंगे तो किस चीज़ का करेंगे? आप सोच रहे होंगे किसी और चीज़ का होगा, राजनीतिक में अपने पार्टी का विस्तार का होगा, लेकिन नहीं, चुनाव की तैयारी शुरू हो रही है। अब देखिए ना, अभी तुरंत जो है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 संपन्न हुआ है, नीतीश कुमार को तो मुंह मांगी बातें भी मिल गई, मुख्यमंत्री पद भी मिल गया, लेकिन चेहरे पे जो शिकन जो है ना वो लगातार देखा जा रहा है, इसके बारे में हमारे डॉक्टर साहब भी इसका चर्चा करते हैं। इस शिकन का जो है इसका कारण जो है होता है ना, किसी बीमारी का सिम्टम होता है, इसका सिम्टम बता रहे हैं और इसके पीछे की जो वजह बता रहे हैं, यही वजह है कि उनकी राजनीतिक असहजता जो है एक बड़ी वजह बन के सामने आई। अब नीतीश कुमार कैसे फिर से चुनाव की तैयारी शुरू कर दिए हैं और पूरे मामले में ये जो पूरा मामला है कहाँ जा कर के रुकेगा, सारे बातों पर जवाब देने के लिए जो बिहार के अगर बात करें तो वरिष्ठ राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर नमन मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, जो खबर की चिरफाड़ करेंगे। तो सर, कहाँ है नीतीश कुमार का मन? नीतीश कुमार का मन से पहले जानते हैं, बिहार में कुछ चर्चा हो रहा है कि चिराग पासवान को लेकर एनडीए भाजपा में, भाजपा और जदयू में चल रहा है जी। इस विवाद पर मैं कुछ बोलना चाहूँगा जी। ये ना तो खबर से रिलेटेड है ना मेरे ऐसे कहीं गए, मतलब एक पत्रकार के तौर पर जी, बस मान के चलिए कि थोड़ी देर के लिए जदयू या भाजपा के प्रवक्ता में से कुछ मैं बन जाता हूँ जी, क्योंकि 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 जो जदयू के प्रवक्ता हैं उनको फ़ोन करने पर इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। अजय आलोक जी को फ़ोन किया गया सुबह में, तो उन्होंने कहा कि क्यों मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं, मतलब हम नहीं किए थे, हम करते तो हम बोलते कि हम अपना समय क्यों बर्बाद करें आपके पीछे, आप हैं कौन, लेकिन हमारे एक रिपोर्टर हैं उन्होंने फ़ोन किया था, तो उनको समय नहीं था और समय बर्बाद करने की बात भी उन्होंने की और कहा कि मैं इस सब मुद्दों पर नहीं बोल सकता हूं। तो मैं अपने आप को फिलहाल जदयू का थोड़ी देर के लिए प्रवक्ता घोषित कर देता हूँ जी, क्योंकि जदयू के प्रवक्ताओं की कमी हो गई है और हैं भी तो निकम्मे जैसे कुछ लोग हैं जी, तो ऐसे लोगों की आवश्यकता क्या है। खैर चलिए, थोड़ी देर के लिए हम पहले भी कर चुके हैं, जो पबजी वाला एपिसोड हुआ था तो नीतीश जी की मैंने ही अच्छे से उनकी जो कह सकता है बातों को रखा था, उनका पक्ष रखा था, अच्छी अच्छी बातें उनके बारे में बोली थी, आज नहीं बोल पाऊंगा जी, क्योंकि मौजूदा नीतीश कुमार जी की स्थिति अच्छी नहीं है, तो जिसकी जिसको तबीयत खराब है उसको क्या कहा जाए कि बहुत स्मार्ट लग रहे हो जी। तो ऐसी परिस्थिति में चिराग पासवान को लेकर एक चर्चा चल रही है भाजपा और जदयू के बीच में जी। वो कह रहे हैं कि अनइम्पॉर्टेंट है, वो कह रहे हैं कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं एक बात बता दूं बिहार के जदयू के नेताओं को कि बिहार की बात तो नहीं ही कीजिए, जब देश के स्तर पर कोई पार्टी बड़ी होती है तो बिहार में आके छोटी नहीं हो सकती है जी। जो आंकड़ा होता है कि इतने बड़े फील्ड में कोई व्यक्ति अगर बड़ा है तो छोटे फील्ड में छोटा नहीं हो जाएगा जी, उस वही फील्ड छोटा हो रहा है, भारत के अंदर ही बिहार है जी, बिल्कुल। तो ऐसी परिस्थिति में चिराग पासवान की पार्टी लोजपा जी के मंत्री केंद्र में थे रामविलास पासवान जी, जदयू के कितने मंत्री थे या रहे हैं केंद्र में जी, जीरो, बड़ी पार्टी कौन हुई? चिराग पासवान की पार्टी, बिल्कुल बिल्कुल, लोजपा बड़ी पार्टी है क्योंकि लोजपा ने आपको अपने मन चाहे तरीके से आपके सीटें गिराई जी, कम कराई, 28 सीटों का नुकसान हुआ है आपको जी। लोजपा जीती की रेस पे पीछे मत पड़िए, उनका मकसद ही हो सकता है कि जितना नहीं था आपको हराना था, आपको हराया ना जी, बिल्कुल।
बुरी तरह से हराया, ऐसी स्थिति में ला दिया कि नीतीश कुमार के चेहरे पर 12 बजा हुआ है। मंत्रियों में ऐसा असंतोष है कि जयकुमार सिंह तो लगातार स्पष्ट कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में तो सरकार नहीं चल सकती है। तो कैसी स्थिति में चलेगी? नीतीश कुमार जी को 50 सीट और दे दिया जाए कहीं से? अरे आप हारे हैं ना, तो विपक्ष में बैठिए नहीं अगर पसंद है तो। ये तो इस तरह का मतलब इसमें रोने की आवश्यकता क्या है? राजनीति में दिन बदलता है। वो बेटा जी गाना सुन ही रहे होंगे आप लोग, आजकल खूब फेमस हो रहा है कि कभी नरम गरम कभी गरम हो, तो होता है, आप पर भी लागू होता है ना। आज नहीं आपको माहौल मिला अपने लायक, तो छोड़ दीजिए सरकार, जाके बैठिए विपक्ष में, तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार बनी है। आपकी तो परिपाटी रही ही ऐसी, आप तो लेकिन वहां आपको अब स्वागत नहीं है, वहां आपको डर लगता है कि जाएंगे तो तेजस्वी यादव कहीं फिर जिंदा ना हो जाए। तो इन परिस्थितियों में आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? खून का घूंट पीजिए, कुछ अच्छे ऐसे उम्दा लोगों को प्रवक्ता बनाइए जो अपनी बातें रख सके, जो सरकार को डिफेंड कर सके, जो भाजपा के साथ मौजूदा रिश्तों में खटपट आ रही है उसकी जो सच्चाई है उसको बखान कर सके, नहीं तो झूठ ही बोल सके। ऐसा तो ना कम से कम बोले कि हमारे पास समय नहीं, हमारा समय बर्बाद मत करो। अरे ऐसा कौन आप डॉक्टर है जी? ऐसा कौन सा आप इलाज कर रहे हैं, वैक्सीन कोरोना का खोज रहे हैं? कोरोना हुआ था इनको सब परिवार महोदय को, तो बीटाडीन कह रहे थे गार्गल कीजिए उसको नाक में लगाइए ठीक हो जाएगा कोरोना। बिहार के लोगों ने पता ही नहीं बीटाडीन क्या होता है। सरकार क्यों नहीं बीटाडीन बटवा दी? प्रवक्ता थे जाके बोल सकते थे, लेकिन डर लगता है इनको। नीतीश जी के पास जाएंगे तो कान नहीं देते हैं जी। जब नीतीश जी के पास लेके जाते हैं कोई नया बुद्धि कि बंगाल चुनाव पे हम लोग को बोलना चाहिए, इनको पार्टी से हटाने की स्थिति आ गई, प्रवक्तों से इस्तीफा देना पड़ गया। पिछली बार गए थे ज्ञान देने के लिए, खैर इनके ज्ञान पे हमें संशय नहीं है, एक बड़े विजनरी के पुत्र हैं और खुद भी एक अच्छे जानकार हैं, लेकिन अफसोस होता है इन सब बातों को सुनकर कि किसी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता के पास किसी पत्रकार के लिए समय नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौजूदा परिस्थिति में नीतीश कुमार, अब ये बातें भी देखिए, आपने कहा कि दर्शक भी कुछ लोग हैं, वो दर्शक नहीं है, वो नीतीश कुमार जी के समर्थक हैं। जाके प्रोफाइल पर मैंने एक एक लोगों के देखा है, चार पांच लोगों का कमेंट आया था मैंने देखा पर्सनली जाके प्रोफाइल पर, सब ने नीतीश के साथ फोटो लगा रखी है, कोई ऐसे करके खड़ा है, कोई कान में नीतीश कुमार जी के बोल रहा है, नीतीश कुमार जी देख रहे हैं तिलंगी। हाँ, प्रवक्ता साहब का पूरा इंटरेस्ट एकदम लग रहा है, जैसे कि नहीं होता है कि हमने बचपन में पढ़ा साहित्य में चकोर देखता रहता है चांद को, उस तरह से निहार रहे हैं नीतीश जी के चेहरे को और नीतीश जी तिलंगी देख रहे हैं, इंटरेस्टेड नहीं है इनमें। ऐसे ऐसे कई लोग आए कमेंट किए और ऐसे लोगों के कमेंट से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जी बिल्कुल। हम मौजूदा बिहार की राजनीति पर मैं बहुत जल्दी से बातें रख दूंगा। जी, नीतीश कुमार जी उस मोड में चले गए हैं, मैंने परसों ही पंचनामा के दौरान आपसे कहा था कि नीतीश कुमार शक्ति संचय की स्थिति में चले गए हैं और यहाँ से वो अपनी ताकत को बढ़ाना चाहेंगे और उस कड़ी में उन्होंने पहले तो जीतन मांझी जी को साथ में लिया, अब बड़ी चीजें नहीं हो रही, तो जो चीजें हो रही हैं उन्हीं को साथ में लिया जा रहा है। जीतन मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात हुई, कल खबर आई, बड़ी खबर आई कि अरुण कुमार के साथ संपर्क में जी बिल्कुल, और आज नरेंद्र सिंह के बारे में भी खबर आ गई। ये सारे लोग पुराने सहयोगी रहे हैं, आने वाले समय में नागमणि कुशवाहा की वापसी हो जाए या कुछ और लोगों की वापसी हो जाए तो ये बड़ी बात नहीं होगी। यहाँ से नीतीश जी की स्ट्रेटजी क्या है ये समझना पड़ेगा सुमन जी, आपको भी और दर्शकों को भी, वो दर्शक जो हमारे व्यूअर्स हैं जो जानते हैं कि हम कैसी बातें बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते और घुमा फिरा के बात करना नहीं आता है जी। अभी यहाँ एक बात मेरी समझ लीजिए, बहुत बहुत आसान शब्दों में, नहीं समझ में आया तो फिर से मैं समझाने के तैयार हूँ लेकिन समझिएगा जरा सा, भाजपा मौजूदा परिस्थिति में क्या जुगाड़ कर रही है जी, नीतीश तेजस्वी किसी के आवश्यकता के बिना हम सरकार बना लें जी, तेजस्वी किस जुगाड़ में हूँ, किसी तरह से टूट टाट होकर मैं सरकार बना लूँ जी बिल्कुल, नीतीश ऐसी किसी स्थिति में नहीं है जी, नीतीश ना तो राजद तोड़ सकते हैं ना वो भाजपा में से तोड़ सकते हैं, उनके साथ लोग नहीं आएंगे, वो नीचे हैं जी, और इसलिए नीतीश कुमार किस तैयारी में है, क्या काहे जोड़ रहे हैं 2% 4% जी, क्या वो विधायक जोड़ रहे हैं जी, वो परसेंटेज जोड़ रहे हैं जातियों का, किस लिए जोड़ा जाता है ये परसेंटेज, अपना वोट बैंक और खुद को मजबूत करने के लिए बिल्कुल, और एक और कारण से, अगर ये वोट बैंक जोड़िएगा तो आप चुनाव में जाकर उस वोट बैंक को वापस लीजिएगा जी, तो बाकी लोग जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने की स्थिति में आना चाहते हैं, नीतीश कुमार चुनाव का इंतजार कर जी बिल्कुल बिल्कुल, नीतीश कुमार चुनाव की तैयारी में लग गए हैं जी, हारे हुए विधायकों को और हारे हुए जगहों के अपने जिला अध्यक्षों को बुलाकर मीटिंग रात में करने का मकसद क्या है बिना प्रेस को बताए हुए जी जी, ये
तैयारी है चुनाव लड़ने की। नीतीश कुमार ने परसों ही अपने कार्यकर्ताओं को इशारे में बात कह दी थी कि मौजूदा सरकार की परिस्थितियां जैसी भी हो, आपको चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए। कहां कमी रह गई, इसको लेकर आज चुनाव हो जाए तो आप कैसे मजबूत होइएगा, इस पर चर्चा कीजिए और इस पर लेकर रिपोर्ट मुझे सबमिट कीजिए, दीजिए रिपोर्ट मुझे कि मैं कैसे कमजोर हुआ हूं, क्या राजद ने कमजोर किया है, क्या चिराग पासवान ने कमजोर किया है, क्या उपेंद्र कुशवाहा की वजह से कमजोर हुआ हूं। देखिए एक बात तो है कि इन तीनों की से लड़ाई हुई है नीतीश कुमार की, और मुख्यतः नीतीश कुमार को कमजोर करने वाले एक तरफ तो कुशवाहा थे और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं चिराग पासवान थे। और नीतीश कुमार यहाँ से जब चुनाव की तैयारी में लग गए हैं तो वो अपने पुराने जो मित्र हैं उनको साधना शुरू कर चुके हैं। इसी कड़ी में जीतन राम मांझी हों या अरुण कुमार हों या उपेंद्र कुशवाहा हों या नरेंद्र सिंह हों, इन सभी की कड़ी में और भी नाम हैं। कांग्रेस के जो 19 विधायक हैं उनको भी तोड़ने की तैयारी चल रही थी, लेकिन खबर जो आई है कल, बड़ी खबर आई है कि कांग्रेस के विधायकों की एक बड़ी संख्या भाजपा के संपर्क में चली गई है जी। और ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार को तो सीधा घाटा हो गया जी। बिल्कुल, जो अशोक चौधरी को इतने दिन से साथ में रखा कि एक जिस दिन बड़ी टूट होगी कांग्रेस में तो हमारे हिस्से में आएगा, चला गया किसी और में जी। तो मून लैंडिंग की तरह हो गया कि जब अमेरिका गया वहाँ पे कि झंडा गाड़ेंगे तो पहले से चीन का झंडा गाड़ा हुआ था जी। तो समस्या है तो कहीं है, और भाजपा पहले से कहीं, भाजपा देखिए भाजपा फिलहाल अब बिहार में अपनी ताकत बहुत तेजी से बढ़ा रही है जी। अब लोगों को लग रहा है कि नीतीश कुमार, नमन मिश्रा जी इतना भाजपा की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा लीड कर रही है मालिक जी। भाजपा मौजूदा बिहार की राजनीति को अपने हिसाब से चला रही है जी। और इस बात को ये कभी हुआ नहीं था, ये परिस्थिति 100 में 1 बार हुआ है, तो भाजपा पूरा फायदा उठा रही है। और जितना भाजपा को हम समझ पा रहे हैं मौजूदा राजनीति जो इधर हुआ है रिसेंटली, भाजपा किसी राज्य में जब घुस जा रही है तो वो चाह रही है कि उस राज्य को छोड़े नहीं जी। बिल्कुल, चाहे कुछ भी करना पड़े जी, पोस्ट पोल अलायंस करना पड़े, प्री पोल अलायंस तोड़ना पड़े, या विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग करनी पड़े, कुछ भी करने पड़े होगा जी, सरकार बनानी है बस। और यहाँ से बंगाल के चुनाव पर भी नजर है, असर भी पड़ेगा। बिल्कुल, तो इन बिहार और बंगाल के चुनाव के जो संबंध हैं इस पर भी भाजपा की नजर है। लेकिन नीतीश कुमार की एकमात्र अभी एकमात्र उनकी जो प्राथमिकता है वो मौजूदा दौर में सरकार गिरने पर चुनाव होने की स्थिति में चुनाव की संपूर्ण तैयारी है जी। और वोटों के गणित को साधना, वो भी पूर्ण संपूर्ण तरीके से साधना है। यानी कि कह दे कि नीतीश कुमार अभी से गठबंधन और इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल, गठबंधन में क्या कहिएगा, वो तो विलय की राजनीति कर रहे हैं जी। बिल्कुल, वो तो कह रहे हैं आइए वापस, घर वापसी कीजिए। कई लोगों को घर वापसी करा रहे हैं, खुद घर वापसी नहीं करेंगे लेकिन लोगों का घर वापसी करा रहे हैं। और यही नीतीश कुमार की राजनीति है। देखिए मुझे लगता है शायद कि मौजूदा दौर में बहुत लोग हैं नीतीश कुमार जी के करीब, पत्रकारों की रोज आना जाना चाय पीना साथ में होता है, लेकिन मैं फिर दावा करता हूँ कि नीतीश जी की राजनीति को मैं बहुत बेहतर तरीके से समझता हूँ जी। तो कहीं ना कहीं जो ये पंचनामा के आज के एपिसोड के दौरान आपको ये बात पता चल गई, हमारे जो डॉक्टर है नमन मिश्रा, उन्होंने ये बातें तो साफ कर दी कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है अगर फिर से अगर बिहार में चुनाव होता है तो उस पर अब नीतीश कुमार की जो है पैनी नज़र बन गई है, गिद्ध वाली नज़र जो है नीतीश कुमार की बनी हुई है। वो चाह रहे हैं कि जितने भी उनके सहयोगी थे जो पुराने थे, चाहे जो भी जनाधार अपने अपने कोटे में लेकर के गए हैं, सभी को जो है अपने में खुद में आकर के एक सूत्र से उन्हें बांध दिया जाए, मुंह मुंह के धागे जो है वहां जाके लपेट दिया जाए और नीतीश कुमार फिर से जो है इस बार सरकार बनाने की तैयारी में है और अगले चुनाव की तैयारी, बड़ी पार्टी जी। बिल्कुल, बड़ी पार्टी बनने की स्थिति में वो चाहते हैं जी। वो तीसरे नंबर पर जाकर बाप रे बाप खुद नहीं है, सहज नहीं है जी जी। तो ऐसे ही खबरों का सिलसिला, सहज नहीं, माफ कीजिएगा गलती हो गया, सहज नहीं है जी। तो ऐसे ही खबरों का सिलसिला लगातार भारत लैब पे जारी रहता है। यूपीआई नंबर है ही, सहयोग और धन्यवाद देंगे। कल हमने आग्रह किया था कि यूपीआई छोड़िए, थोड़ा शेयर पे ध्यान दीजिए, तो यूपीआई छोड़ के शेयर पे लोग ध्यान दिया है, लेकिन यूपीआई पे भी ध्यान देना है। दोनों जगह रखिए, थोड़ा बैलेंस रखिए। तो ऐसे ही बने रहिए भारत लाइव के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।